नमस्कार, मैं स्नेही वाधवा नए केसरी में आपका स्वागत करता हूं। खबर खेल जगत से, अभी तक आपने अलग अलग फॉर्मेट में आईपीएल महिला क्रिकेट सीरीज के कई मैच देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको इस खबर में दिव्यांग जनों के ऐसे क्रिकेट मैच के बारे में दिखाने जा रहे हैं जो मैच व्हीलचेयर पर खेला गया, जिसमें बैटिंग से लेकर बॉलिंग और फील्डिंग तक सभी खिलाड़ी व्हीलचेयर पर खेलते हुए नजर आए। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए आज कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि दिव्यांग जनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। बीते रविवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां दिव्यांग जनों के क्रिकेट टूर्नामेंट ने सभी लोगों को आकर्षित किया। इस टूर्नामेंट की खास बात यह रही कि टूर्नामेंट में खेले सभी मैच में खिलाड़ी व्हील चेयर पर खेलते दिखाई दिए। दो दिवसीय आयोजित इस टूर्नामेंट में रविवार को उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बीच मैच खेला गया, जिसमें उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। 15 ओवर के खेले गए इस मैच में उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश को 87 रनों पर समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तराखंड ने 12 ओवर में ही 89 रन बनाकर 3 विकेट से इस मैच को अपने कब्जे में कर लिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उत्तराखंड टीम की जीत हो चुकी है, तो इस जीत को लेके आपका क्या कहना है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और हमने ये बैक टू बैक अब देखे तो बड़ी बड़ी सीरीज में हम या तो फाइनल में पहुंच रहे हैं या तो फाइनल को उठा रहे हैं। उत्तराखंड की टीम एक बार ऐसी थी कि हम सिर्फ ये सोचते थे कि हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परंतु आज हम फाइनल उठा रहे हैं, इस बात की हमें बहुत खुशी है, बहुत मजा आ रहा है, और पूरी टीम ये सारा नतीजा है पूरी टीम का एकजुट होके खेलना। हम लोग 4-5 सालों से एकजुट होके हमारी टीम न तो टूटी है कभी न तो बनी है, जो खेल रहे हैं वो 4-5 सालों से लगातार खेल रहे हैं और एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सर प्रैक्टिस के दौरान आपका क्या कहना है, कैसा लगा आपको आज का मैच खेल के? आज का मैच सबसे पहले तो जब हमने फील्ड का डिसीजन लिया था वो हमारा सही रहा, लेकिन जैसे हम चेस करने के लिए आए तो एमपी ने काफ़ी अच्छा, उनके जो बॉलर थे काफ़ी अच्छे, उन्होंने कम बैक किया और हमें एक टाइम तो ऐसा मैच फंसा दिया था कि उत्तराखंड पे हार ना जाए। फिर हमारे बैट्समैन ने एक अच्छी पार्टनरशिप हुई मनोज और विकास के बीच में, तो काफ़ी अच्छा वो रहा और मैच ऐसा रहा कि फंसाने वाला, जो दर्शक होंगे उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा होगा देखने को, कभी मैच इधर कभी उधर। तो यही कहना चाहेंगे, लास्ट में हमारे सभी प्लेयरों ने अपना एफर्ट दिया और 100% देकर इस मैच को उत्तराखंड के लिए जीता। आपके हिसाब से काफ़ी रोमांचक मैच रहा है, कितने रन से जीते हैं आप लोग? हम लोग 3 विकेट से जीते हैं, हम लोग 3 विकेट से जीते हैं, और मैं सॉरी अपने इस आपकी बातों में ये बोलना भूल गया था कि हमारी जो टीम के मेन सदस्य हैं वो हमारे कैप्टन साहब हैं। कैप्टन साहब हमारे कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाते हैं पूरे DCCBI में, क्योंकि ये बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़ा अच्छा गाना भी गाते हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, और थोड़ा सा गाना गा के हमारे दर्शकों को गाना नहीं क्योंकि चिल्ला चिल्ला के थोड़ा गला बैठा, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमारी टीम के साथ और हम अपने आप को श्रेय नहीं देंगे, पूरी टीम के साथ हमारे कोच बिपिन लांबा और हमारे फूफा जी हैं, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। सर आपका परिचय? मैं, मेरा भतीजा खेलता है इस टीम में, इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। तो आपको कैसा लगा आज का मैच? आज का नहीं, इनका हर मैच में जाता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। आज का मैच तो हमें लगा कि हम आसानी से जीत जाएंगे, पर थोड़ा सा फंस गया था बीच में, पर निकाल लिया लोगों ने, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, और सपोर्ट सारा दिल्ली टीम को जाता है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, सिस्टम पूरा पहला डे नाइट मैच खिलाया है व्हीलचेयर क्रिकेट को। जी धन्यवाद। तो सर आपका परिचय? मैं विके लांबा, उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट कोच। तो आपकी टीम ने आज जीत हासिल करी है, आपको क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम को? टीम बहुत अच्छा खेली है, सभी प्लेयर बहुत अच्छा खेले हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई है, खासकर मैं आज बोलूँगा कि फील्डिंग ने बिल्कुल दिल जीत लिया, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग हमारी टीम के प्लेयरों ने की है, और सबसे मेन बात यह है कि हमारी जो टीम है वो बहुत अलग अलग जगह से प्लेयर आते हैं, और टीम को इकट्ठा करना, प्रैक्टिस करना, और ऐसी परिस्थितियों में खेल रहे हैं ये लोग कि बहुत दूर से 5-5 किलोमीटर पैदल चल के ये ट्रैवलिंग करके आते हैं, और फिर भी इतना अच्छा
ये गेम दिखा रहे हैं, इसके लिए हैट्स ऑफ उत्तराखंड टीम। तो लगभग कितने टाइम से इनकी ट्रेनिंग चल रही है? ट्रेनिंग तो सर तकरीबन 5-6 साल से चल रही है और बहुत ज़बरदस्त खेलती है उत्तराखंड टीम। आज थोड़ा सा पहली बार लाइट के बीच में खेले हैं तो थोड़ा चेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम सामने आई है। बाकी ये जितना टारगेट था ये तकरीबन 8-9 ओवर का हमारा था, लेकिन पहली बार लाइट का अनुभव प्लेयर ले रहे हैं तो उसके बीच में थोड़ी सी तकलीफें सामने आई। टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, पूरी उत्तराखंड टीम धन्यवाद करेगी। सबसे पहले अगर हम कहेंगे तो सुनील जी जो दिल्ली टीम के कैप्टन हैं उनका बहुत बहुत आभार, और हमारे इंडिया टीम के कैप्टन रमेश सर भी यहाँ पे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे किया गया हमारे बोर्ड के द्वारा और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर टीम के द्वारा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांगजनों द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में खेले गए मैच के आयोजक दिल्ली व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरपर्सन शिखा चतुर्वेदी से हमने खास बातचीत की, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। तो आइए दिखाते हैं पूरी खबर। तो मैम आपका परिचय? मैं दिल्ली व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन की चेयरमैन हूँ, शिखा चतुर्वेदी जी। तो मैम जैसे मेरा आपसे पहला सवाल ये है, ऐसे टाइप के मैच बहुत कम देखने को मिलते हैं तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस तरह के मैच देखने को बहुत कम इसलिए मिलते हैं कि एक तो लोगों में इस तरह के मैचेस को लेकर वो अवेयरनेस नहीं है, और पिछले कुछ वर्षों में जो है इस तरह के प्रयास अभी शुरू हुए हैं तो उस दिशा में आपको चीज़ें दिखनी भी शुरू हुई हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड कप जो है वो अभी ब्लाइंड जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो जीत करके आए हैं, सो चीज़ें अब दिखनी शुरू हुई हैं, लोग अब जानना शुरू किए हैं। और इस ग्राउंड में हम लगातार जिस तरह से मैचेस करा रहे हैं हम दिल्ली व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन वाले, तो लोगों को काफ़ी कुछ अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि हाँ व्हील चेयर पर भी मैचेस हो सकते हैं और प्लेयर्स जो हैं वो चौका छक्का मार सकते हैं, साथ ही वो रन्स भी, वो आम जो नॉर्मल क्रिकेट होता है उस तरह से वो रन्स भी बना सकते हैं। तो मैम ये मैचेस कब से हो रहे हैं यहाँ पे स्टेडियम में? ये ऑलमोस्ट हम लोगों का 6ठा या 7वां मैच है जो हम करवा रहे हैं, और पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारे जो प्लेयर्स हैं हमको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दे सकें। दूसरा सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो हमारे ये प्लेयर्स हैं जो व्हील चेयर पर हैं इन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशली इंडिपेंडेंट करना, क्योंकि ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे इस तरह के फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत ज़्यादा हैं, एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो मैं चाहूँगी कि जो भी लोग सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्लेयर्स के लिए एक मॉरल मोटिवेशन, एक मॉरल बूस्टअप, एक अपनी खुद की एक जिम्मेदारी भी कि हाँ इन प्लेयर्स के अंदर भी वही जज्बा है, वही करेज है मैदान में खेलने का जो आम आप एक नॉर्मल क्रिकेट देखते हैं उस तरह का। मैं चाहूँगी कि लोग भी इस चीज़ को समझें, लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और इस चीज़ में इस मैच के लिए आगे आएँ, सहयोग करें ताकि इनको भी इनकरेजमेंट मिले और ये भी जो है वो मोटिवेट हों और ज़्यादा बेस्ट और अच्छा कर सकें। मैम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ऐसे कार्यक्रम के लिए कब से तैयारियाँ आपने शुरू कर रखी हैं? देखिए लगातार स्पॉन्सर से बात की जाती है, हम लोग कई बार CSR फंड्स के लिए भी कोशिश करते हैं, जितनी ज़्यादा हमें हेल्प हो सके उतना अच्छा हम मैच करा सकेंगे। जैसे अभी ये जो मैच आप देख रहे हैं इस मैच में दिल्ली, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ये तीन स्टेट्स जो हैं वो खेल रहे हैं, तो हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के मैचेस हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएं और हम खिलाड़ियों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइलाइट्स दे सकें, लोग जान सकें, लोग समझ सकें, इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं। तो लगभग मैम कितने खिलाड़ी होंगे जो खेलते हैं मैच को? आज के मैच में कितने खिलाड़ी हैं लगभग? एक टीम में 11 से 12 और स्टैंड बाई में भी हमारे 3-4 प्लेयर्स रहते हैं, क्योंकि चूँकि ये प्लेयर्स जो हैं वो व्हील चेयर पर खेलते हैं तो फिज़िकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, कई बार चोट लग जाती है, लेकिन हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो भी आपने देखा होगा ग्राउंड में कि काफ़ी संख्या में, मतलब 20-25 हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं इस समय ग्राउंड में जो इन प्लेयर्स को हेल्प करते हैं। तो जनरली एक टीम में जो है हम स्टैंड बाई को लेकर अगर बात करें तो 15 प्लेयर्स हम टोटल, जैसे अभी स्टेट से जो आए हैं 15-15 प्लेयर जो हैं, उत्तराखंड से 15 प्लेयर आए हैं, आपके मध्य प्रदेश से 15 प्लेयर आए हुए हैं, 15 प्लेयर्स एंड जो दिल्ली क्रिकेटर्स हैं हमारे व्हील चेयर के वो भी 15 है, तो हमने एक स्टैंड बाई लेकर के 15 प्लेयर रखा हुआ है।
ठीक है मैम, धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम विक्की कुमार लांबा, मैं दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हूँ। सर आपका परिचय? मेरा नाम कुंदन प्रसाद है और मैं दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। आज का जो मैच हो रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा मैच हो रहा है, उत्तराखंड की टीम और एमपी और दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा मैच हो रहा है। दिल्ली एमपी और उत्तराखंड त्रिकोणीय सीरीज का आयोजन किया गया है, जिसमें से हमारा जो मेन जो मोटिव है विकलांग खिलाड़ियों को आगे लाना है और ज़्यादा संख्या में इनको आगे बढ़ाकर उनको हमें प्रोत्साहन बढ़ाना है। और हम यही कहना चाहते हैं कि और पब्लिक देखे इन मैचों को, जिससे इनका प्रोत्साहन बढ़े और आगे आए खिलाड़ी जो नेशनल लेवल पर भी खिलाड़ी काम करेंगे। हमारा यही मोटिव है कि हम आगे जाकर इन खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देना चाहेंगे। आज के टाइम में सर दिव्यांग लोगों के लिए कई कार्यक्रम किए जाते हैं, तो इस कार्यक्रम का जो आज ये मैच हो रहा है उसका क्या कारगर है, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। आप बताइए उसका कारगर ये है कि हम ये चाहते हैं कि जो विकलांग खिलाड़ी ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो घर में रहते हैं, उनको हम ऐसा मौका देते हैं कि वो अपना एक मुकाम हासिल करें और समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकें। और हम हर महीने होता रहता है ये प्रोग्राम, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं इसमें अपना योगदान देकर समाज की मुख्य धारा में जुड़े और देश का नाम रोशन करें। तो इसमें सर लोग योगदान देते हैं? हाँ, कुछ लोग तो योग है जो एकदम से कंपनी है जो हमें छोटा मोटा सपोर्ट स्पॉन्सर करती है, हमारी गवर्नमेंट से अपील है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करें, BCCI भी सपोर्ट करें और दिल्ली की जो जनता है सपोर्ट करे दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन को, इससे अच्छे और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज दिल्ली में कर सके। तो ये टूर्नामेंट कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में? ये हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं, जिसमें से इस साल हमारा 2रा टूर्नामेंट है। लास्ट फरवरी को भी हमने एक टूर्नामेंट आयोजन किया था और ये अब हमारा सेकेंड है, इस साल में हमारा 2रा ये कार्यक्रम है। ठीक है सर, धन्यवाद। दिव्यांग जनों द्वारा खेले गए इस क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों में ही एक अलग सा जोश और उत्साह देखने को मिला। इस संबंध में जब हमने खिलाड़ियों और दर्शकों से अनुभव साझा किए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, तो दिखाते हैं आपको आगे। तो आइए बात करते हैं। सर आपका परिचय? जी मेरा नाम मनोज महलावत है, मैं अखिल भारतीय सर्व जाट महासभा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और आज हम अपना व्हील चेयर क्लब वालों के साथ यहाँ है। और ये सब जैसे दिल्ली व्हील चेयर वाले जितने भी लोग हैं, अलग और भी एक दो स्टेटों से टीमें आई है, उनके क्रिकेट मैच को हम देखने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित है। तो सर आपका क्या योगदान रहा है आज के क्रिकेट मैच में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। योगदान की तो यहाँ किसी भी को भी किसी तरह की कोई ज़रूरत है ही नहीं मुझे जो लगता है, क्योंकि एक मतलब व्हील चेयर क्रिकेट क्लब नाम से ही समझ जाएंगे इनको किसी की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इनकी एक अपने आप में एक जोश एक स्प्रिट जो देखने को मिलती है उसका मतलब हम किसी चीज़ से आकलन कर ही नहीं सकते और ना कोई उसमें, क्योंकि ये अपने आप में ही एक मजबूत स्थिति में रहने वाले सब प्लेयर्स हैं जो आप मतलब मैं उनके लिए एक शब्द मैं उस चीज़ों को पिरो नहीं पाऊँगा कि किस परिस्थिति में होते हुए भी ये किस स्टेज पर आके किस जज्बे के साथ यहाँ खेलने को तैयार बैठे हैं। और अभी आपने देखा होगा एक मैच अभी हुआ है, दूसरा मैच अभी होने जा रहा है, तो आप इन लोगों का जोश इनकी क्षमता इनकी ताकत मतलब उस उत्साह को आप देखते ही बनता है कि भाई ये अपने आप में कितने बड़े बलवान आदमी हैं एक तरीके से और किस तरह से जोश उमंग के साथ ये इस चीज़ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम लोग पीछे भी एक दो प्रोग्रामों में आए, आया नगर में एक मैच हुआ हमारे कुछ साथियों ने वहाँ मिल के कराया, फिर वसंत कुंज हुआ, अब ये कंटिन्यू हर साल इसको धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम तालकटोरा स्टेडियम में यहाँ खड़े हुए हैं, तो किस तरह से चीज़ें बढ़ती जा रही है, किस तरह से अलग अलग स्टेटों से लोग धीरे धीरे करके इस व्हील चेयर क्लब में जुड़ते जा रहे हैं और कैसे इसको बढ़ाते जा रहे हैं, क्रिकेट एसोसिएशन को DWCA को ये धीरे धीरे किस स्टेज पे लेके जा रहे हैं सब लोग मिलके। आज सर लगभग कितने खिलाड़ी हैं ग्राउंड में उपस्थित जो आज खेल रहे हैं क्रिकेट? अभी देखो पहले 4 टीमें थी, अभी एक दो टीम का मैच हो गया तो वो बाहर हो गए, अब उत्तराखंड का और मध्य प्रदेश का इसके बाद है, तो तकरीबन जब भी मैच होते हैं 4 से 5 टीमें इनके पास अवेलेबल होती है हर स्टेट से। तो आपका क्या कहना है, उत्तराखंड की जीत होगी या मध्य प्रदेश की? देखो जी अब वो जोश और उत्साह आपके सामने होगा और वही 10 मिनट बाद आपके सामने 15 मिनट बाद तय हो जाएगा कि जो बेस्ट खेलेगा उसकी जीत होगी। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के कैप्टन से। सर आपका परिचय? सुनील चौधरी, आई एम कैप्टन ऑफ दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट टीम।
आपको सर कैसा लग रहा है? आप कैप्टन हो तो आप थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी टीम आज खेल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमारी टीम खेल रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अच्छा प्रदर्शन कंटिन्यू रखती है। हम जो चौके छक्के आप एक आम क्रिकेट में देखते हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, वो सब जज्बा, वो सब रन आउट, वो जितना उठना गिरना फिर संभालना, वो सब हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट में चलता है। वो सब अपने पैरों पे करते हैं, हम सब इस व्हील पे करते हैं। हमें बिल्कुल अनुमति नहीं है कि हम ज़मीन को टच भी करें। अगर टच करेंगे तो वो नोबल होती है हमारे लिए, तो उस पर रहकर हम जो है अपना क्रिकेट खेलते हैं। मैं आप लोगों से एक दावा करता हूँ, आप आइए हमारा व्हीलचेयर क्रिकेट दो ओवर देखिए। अगर आप पूरा मैच देखे बिना चले जाएंगे तो आप कहिएगा, इतना रोमांच हमारी व्हीलचेयर क्रिकेट में होता है। और सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी जो टीम है उनका मनोबल कैसे बढ़ाते हैं? जैसे आज मैच है क्रिकेट का, तो आप कैसे उनको प्रेरित करेंगे? सर हमारा मैच है, देखिए हम स्टेट और इंटरनेशनल दोनों तरह की टीमें खेलते हैं, तो खिलाड़ी सब समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत होती है। एक असली समझदार शिकारी और चतुर कप्तान आंखों की भाषा समझता है और वही हम समझते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, प्रेरित करने के लिए समाज के किसी भी वर्ग में कोई भाई किसी वजह से दिव्यांग हो गया है, किसी एक्सीडेंट से हो गया है, बाय बर्थ हो गया है, वो समझते हैं कि हमारी इनिंग ख़त्म हो चुकी है, तो हम कहते हैं आइए हमसे मिलिए, हम जो है आपको नया जीवन देंगे, आपकी सेकेंड इनिंग की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी टीम के खिलाड़ी ई रिक्शा से, एक इकराम अली जी हैं वो ई रिक्शा चलाते हैं, वहाँ से मैंने ढूंढा। एक खिलाड़ी जो वेटरिंग करता था उसके एक पैर में प्रॉब्लम थी, प्लेटेज होता था, साहिल मंडल, उसको मैंने वहाँ से ढूंढा। आज उनका इतना रुतबा है, इतना नाम है कि सोशल मीडिया पर आप डालेंगे साहिल मंडल, साथ में लिखा होता है व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, दिल्ली व्हीलचेयर क्रिकेट ऑलराउंडर। तो जो भी साथी किसी वजह से निराश हो गया है, हम कहें निराश मत होइए, निराश होने का समय चला गया है, आप आइए नए जीवन की शुरुआत कीजिए, व्हीलचेयर क्रिकेट खेलिए, अपने आप को प्रदर्शित कीजिए, समाज को दिखाइए कि भगवान ने जो हमारे कमी की थी उसको हमने दिव्यांग रूप में बदल दिया है। इसलिए मोदी जी ने जो नाम दिया था हमें दिव्यांग, उसको हम साबित कर रहे हैं। तो लगभग सर कितने नंबर ऑफ मैचेस आपकी टीम जीत चुकी है, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को? सर बहरहाल अगर आप आकलन करेंगे, पूरे हमारे ऑल इंडिया भारतीय दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तहत 14 स्टेट खेलते हैं, उनमें दिल्ली टॉप पर आती है। हमने पीछे कई लगातार 6-7 टूर्नामेंट जीते हैं और अभी हाल ही में हम माउंट आबू खेल के आए, फरीदाबाद में खेला और अभी टाल कटोरा खेल रहे हैं। फ्यूचर प्लान हमारे ये हैं कि हम हर स्टेट को दिल्ली में खिलाएंगे यहाँ पर, और हमारे भाई जैसे मनोज हैं और स्पॉन्सर हैं, इनसे जुड़ जुड़ कर हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा एक छोटा सा पौधा लगाया था, अब ये पेड़ बन चुका है, अब इस पेड़ को वृक्ष बनाने का काम आप लोगों का है, अब इसे वृक्ष बनाइए तभी इसका फल व्हीलचेयर क्रिकेटर को मिलेगा। धन्यवाद। तो सर आज का जो मैच हो रहा है उसको लेके आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है आपको? मैच देखने में बहुत मजा आ रहा है, मैं एक्सरसाइज करने आया था, फिर मैंने देखा व्हीलचेयर पे क्रिकेट मैच हो रहा है तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया और मैं यहाँ के बैठा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने आज से पहले व्हीलचेयर पे क्रिकेट नहीं देखा, तो दोनों टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है आगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे मैच को लेके कि आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड जीतेगी या मध्य प्रदेश? उत्तराखंड के कम चांस लग रहे हैं मुझे, एमपी के ज़्यादा लग रहे हैं। और प्लेयर्स को? और तो प्लेयर्स को लेके, प्लेयर्स को देख के उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं क्लैपिंग करूंगा, और जैसे कि ये वाला प्लेयर है इसका नाम मैंने ईश्वरी सुना है, तो इसको मैं काफ़ी टाइम से वो कर रहा हूँ, उत्साह बढ़ा रहा हूँ इस प्लेयर का भी, तो आगे देखते हैं उस हिसाब से क्या होता है। मतलब आप मैच के एंड तक रुकोगे यहाँ पे देखने के लिए कि कौन सी टीम विन करेगी? हाँ बिल्कुल, मैच के एंड तक हम रुकेंगे, और आप सोच रहे हैं कि खाना भी यहीं ऑर्डर करें, यहीं आराम से खा के जाएंगे, बहुत मज़ा आ रहा है मैच देखने में। ऑडियंस काफ़ी एक्साइटेड लग रही है, यहाँ पे सबका यही मानना है कि जब तक मैच ख़त्म नहीं होता तब तक हम यहीं रुकेंगे। तो अब आइए बात करते हैं मैम से, मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उत्तराखंड को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ उत्तराखंड ही जीते, क्योंकि कल भी हम आए थे मैच देखने तो उत्तराखंड जीत गए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, आज भी मैं चाहती हूँ उत्तराखंड ही जीते। और अगर आज मध्य प्रदेश जीत गई तब आपका क्या कहना है? नहीं मैं दिल टूट जाएगा क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ, तो मैं चाहती हूँ उत्तराखंड ही जीते। अच्छा आप अपनी सिटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैम आप कब से हैं यहाँ पे? मतलब दिल्ली में? नहीं मैम यहाँ पे मैच कब से देख रहे हैं यहाँ पे? अभी कल भी देखा था हमने, अभी भी 5 बजे आए थे हम यहाँ पे, तो मैच चल रहा था,
फिर अभी आ गए। तो आप भी एंड तक रुकेंगे सर की तरह? ठीक है, यही यहाँ से पता चल रहा है कि कितने ऑडियंस जो है कितनी एक्साइटेड है यहाँ पे प्लेयर्स को देख के, उनका जो मनोबल है उनको बढ़ाने के लिए यहाँ पे चेयर अप कर रहे हैं। तो मैं सुनील वाधवा, अपने सहयोगी पूजा के साथ,